नर्मदा जिल्लाना मुख्य मथक राजपीपळा खातेनी सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटलमां कार्यरत कोविड 19 हॉस्पिटलना आईसीयू वोर्ड खाते अचानक आग फाटी निकळवानी दुर्घटना अने तेमां राहत बचाववानी कामगीरी अंगेनुं सफळ मॉकड्रील जिल्ला कलेक्टर डीए शाहना मार्गदर्शन हेठळ योजायो हतो। सदर सफर मॉकड्रील में डिजास्टर मामलतदार राजपीपळा नगरपालिका अग्निशामक सेवा पोलिस विभाग एम्ब्युलेंस तेमज हॉस्पिटल स्टाफ संकलन में रही सफलतापूर्वक पाड़वामां आव्युं हतुं। राज्य में हाल में आरोग्य संस्थाओं में आगना बनाव बनी रहा है। इन्हें अनुलक्षी आरोग्य संस्था खाते फायर सेफ्टी अंतर्गत हॉस्पिटल सेफ्टी गाइडलाइन मुजब न फायर इमरजेंसी सामे तकेदारी भागरूपे आगनी घटना ने पहुंची वळवा माटे उक्त मॉकड्रील योजाई हती। सर्जायेली आगनी उक्त दुर्घटनानी जाण थता ज जिल्लाना डिजास्टर कंट्रोल रूम फोननी घंटड़ीओ रणकी उठवा पामी हती। जिला वहीवटतंत्र घटनानी जानकारी मळता ज त्वरित एक्शन मोड में आवी जईने शोर्ट सर्किट ने लीधे लागेली आग पर गणतरीनी मिनिटो में ज आग पर काबू मेळवी लीधो हतो। सदनसीबे आ घटना में जानमान ने कोई हानि थई न हती। आगनी उक्त घटना ने समय कोविड 19 हॉस्पिटल आईसीयू वोर्ड में सारवार हेठना चार दर्दियों ने रेस्क्यू करीने ट्रायज खाते खसेड़वामां आव्या हता अने दर्दियों ने जान बचावी लेवामां आव्या हता। तेमज सामान्य दाजेला दर्दियोंना जीव बचावी प्राथमिक सारवार आपवामां आवी कामगीरी स्टाफ नर्स तेमज फरज परना मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेहुल नकुम द्वारा करवामां आवी हती। अने हॉस्पिटलना मेडिकल स्टाफना मुख्य फार्मासिस्टने दवाओनो जत्थो पूरता प्रमाणमां जाळवी राखवा टेलिफोनिक सूचना आपवामां आवी हती। रेस्क्यू दरमियान सिक्योरिटी स्टाफ सफाई कर्मचारी ने खूब जहमत करीने दर्दियों ने सलामत स्थले खसेड़वानी कामगीरी राह जोया वगर ज आरंभी दीधी हती। अने हॉस्पिटल खातेनो वीज पुरवठो खोरवाई न जाय अने आग वधु विकराळ न बने ते माटे इलेक्ट्रिशियन द्वारा हॉस्पिटलना फक्त प्रथम माळनो वीज पुरवठो सप्लाय करता वायरो अने वीज पुरवठो बंद करी दीधो हतो। अने हॉस्पिटल प्लम्बर द्वारा पानी नो पुरवठो पूरता प्रमाण में जळवाई रहे ते माटेनी सुचारू रूपेनी व्यवस्था तात्कालिक गोठवी दीधी हती। अने हॉस्पिटल में दाखल थयेला दर्दीओने आपवामां आवता ऑक्सिजन अंगेनो पुरवठो बंद करी दीधो हतो जेथी आग वधु फाटी न निकले। आम राजपीपळा में कोविड 19 हॉस्पिटल की आगनी दुर्घटना में तमाम अधिकारी कर्मचारियों की जहमत बाद सफलतापूर्वक आग पर काबू मेळवी लेवाया हतो। घटना स्थले थी डिजास्टर मामलतदार एस एन सोनी अने डीपीओ डिजास्टर बंदीश परमार द्वारा चीफ ऑफिसर पोलिस कंट्रोल नायब जिला पोलिस अधीक्षक राजेश परमार प्रांत अधिकारी केडी भगत नांदोद मामलतदार डीके परमार वगैरह समयसर जाण करवामां आवी हती। आ तमाम एजेंसीओ द्वारा समयसर घटना स्थले पहुंची बचाव तेमज कायदो अने व्यवस्था जाळवानी कामगीरी सुचारू रूपे पार पाडवामां आवी हती। सदर फायर मॉकड्रील सफलतापूर्वक संचालन करवामां आवता हॉस्पिटल तरफ थी आरएमओ अने इन्चार्ज सीडीएमओ डॉक्टर मनोहर मंजिंगावकर नेत्र सर्जन डॉक्टर संगीता पारीख फिजिशियन डॉक्टर जे एल मेणांत वहीवट अधिकारी श्रीमती नीताबेन गोहिल एएचए तुषार जोशी गौरांग वसावा विक्रम वसावा सहित आरोग्य स्टाफ नो पूरतो सहयोग प्राप्त थयो हतो। कोविड 19 हॉस्पिटल राजपीपळा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खाते पहला माड़े कोविड वॉर्ड में चार पेशेंट दाखल था जेमा आकस्मिक रीते शॉर्ट सर्किट थी एक आग में बनाव बनो तो फायर ब्रिगेड ने डिजास्टर मैनेजमेंट ने अने पुलिस स्टेशन ने तात्कालिक जाण करवामां आवी अने लगभग 7-8 मिनिट में फायर ब्रिगेड की टीम आवी गई अने रेस्क्यू करी ત્રણ પેશન્ટને તરત જ બહાર કાઢી દીધા હતા અને એક પેશન્ટને સારું હતું તે તેને નીચે જ રાખવામાં આવ્યું હતું અને ત્રણને રિફર કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર પ્રક્રિયા રાજ્યમાં જે કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાના બનાવ બનતા છે તેના ભાગરૂપે સરકારશ્રીના માનનીય સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર એક મોકડ્રીલનું કલેક્ટર સાહેબની માનનીય કલેક્ટર સાહેબની સૂચના અનુસાર પ્રાંત અધિકારી શ્રીએ જે અમને સમય આપ્યો હતો તે પ્રમાણે આજે મોકડ્રીલ